आज हम बनाएंगे झटपट से 10 मिनट में बनने वाले टोस्ट की रेसिपी। आज हम दो टाइप के टोस्ट की रेसिपी बनाएंगे, जिसका नाम है मसाला टोस्ट और चीजी गार्लिक ब्रेड स्टिक टोस्ट। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मसाला टोस्ट, तो चलिए देखते हैं। मसाला टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो ब्रेड की स्लाइस लिया है। मैंने यहाँ पे व्हाइट ब्रेड का यूज़ किया है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड जो भी अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबलस्पून बटर लिया है। यहाँ पे मैंने मोजरेला चीज़ लिया है, आप चाहे तो ऑप्शन के हिसाब से चीज़ ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल लिया है। मैंने यहाँ पे 1/2 कप बारीक टमाटर कट करके लिया है, 1/2 कप गाजर लिया है, 1/2 कप येलो कलर की बेल पेपर लिया है, 1/2 कप ग्रीन कलर का लिया है, 1/2 कप कॉर्न लिया है, मैंने यहाँ पे फ्रोजन कॉर्न यूज़ किया है, 3 हरी मिर्च लिया है बारीक कट करके, 1/2 कप मैंने यहाँ पे प्याज को कट करके लिया है, 2 चम्मच धनिया पत्ता लिया है। मसाले में मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च लिया है, 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला लिया है, 1/2 छोटी चम्मच नमक लिया है, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप लिया है। तो चलिए अब मसाला बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें प्याज डाल देते हैं, इसे मिला देते हैं। हमें इसे 1-2 मिनट के लिए मिला लेना है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, इसे भी हमें अच्छे से मिला देना है। हमें इसे थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो जाने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्याज का कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे टमाटर को डाल देना है, हमें इसे अच्छे से मिला देना है। हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेना है, या फिर तब तक पकाएं जब तक टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। पे आप देख सकते हैं कि प्याज और टमाटर दोनों सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देना है गाजर, शिमला मिर्च और कॉर्न। हम इन सबको एक साथ मिला देते हैं। हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। मैंने यहाँ पे इसे कवर करके नहीं पका लिया है, आप चाहे तो इसे कवर करके पका सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मसाला है थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें मसाला डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाल दिया है, ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है और 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है। इन सबको अच्छे से मिला देना है। हमें 2 मिनट के लिए इसे मिला देना है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें डाल देते हैं केचप। मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच केचप डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिला देते हैं। आप चाहे तो ये मसाले को आप 2 से 3 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपका मन किया मसाला टोस्ट खाने का तो बस आप ब्रेड के ऊपर इसे लगा दो और फटक से 5 मिनट में बनने वाला मसाला टोस्ट बनके तैयार हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं धनिया पत्ता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला बन के तैयार हो गया है। अब चलते हैं टोस्ट बनाने के प्रोसेस में। मैंने यहाँ पे एक तवा लिया है, उसे गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम ब्रेड को बटर लगा लेते हैं। ब्रेड के एक साइड पे थोड़ा सा बटर लगा देते हैं। अब हम इसे एक तवे पे रख देते हैं। अब हम इसके दूसरी साइड पे भी बटर लगा देते हैं और इसे हमें टोस्ट कर लेना है। हमें यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो जाने तक टोस्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे इसी तरीके से दूसरे ब्रेड स्लाइस को भी रख दिया है, उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बटर लगा दिया है। अब हम इसे अच्छे से टोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेड है वो अच्छे से टोस्ट हो चुका है। तो मैं इसके एक साइड पे ग्रीन चटनी लगा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसे दोनों ब्रेड के ऊपर ग्रीन चटनी लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम मसाला डाल देते हैं, जो अभी हमने मसाला बना के रखा था वो मसाला डाल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसी तरीके से दूसरे ब्रेड के ऊपर भी मैंने मसाला को डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों ब्रेड्स के ऊपर अच्छे से मसालों को स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर चीज़ डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा ग्रेट करके डाल दिया है। चीज़ की मात्रा आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं।
मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ कम ही डाला है, आप अपनी पसंद के हिसाब से चीज़ डाल सकते हैं। हम इसे कवर करके 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेना है, या फिर तब तक पकाए जब तक जो चीज़ है पिघल ना जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से चीज़ जो है अच्छे से पिघल गया है, तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल देती हूँ। अब हम इसे 2 स्लाइस में कट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोस्ट है वो अच्छे से बन के तैयार है। अब हम इसी तरीके से दूसरा भी कट कर लेते हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला टोस्ट है वो कितना टेस्टी और कितना मस्त दिख रहा है। अब हम इसके ऊपर और थोड़ा सा चीज़ डाल देते हैं ताकि हमारा मसाला टोस्ट दिखने में और भी बढ़िया लगे। और यहाँ हमारा मसाला टोस्ट बनके तैयार है। आप इसे ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बनाएंगे चीज़ी गार्लिक ब्रेड स्टिक टोस्ट, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। ये एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक के लिए परफेक्ट रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। बाउल में मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून बटर डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। उसके बाद मैंने डाल दिया है 2 चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओरिगैनो डाला है 1/2 छोटी चम्मच। अगर आपके पास ओरिगैनो नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है रेड चिली फ्लेक्स, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिला देना है। बटर हमें रूम टेम्परेचर वाला ही बटर यूज़ कर लेना है। ये बहुत ही डिलीशियस और क्विक ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप चाहे तो यहाँ पे अदरक का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे अदरक नहीं डाला है। यहाँ पे हमारा गार्लिक बटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैंने यहाँ पे 1 स्लाइस ब्रेड के लिए लिया है। अब इसके ऊपर हम ये गार्लिक और बटर को लगा देते हैं, इसे अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड लिया है, आप चाहे तो ब्राउन या मल्टीग्रेन ब्रेड जो भी अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैंने इसके ऊपर अच्छे से पूरा स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं चीज़। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ थोड़ा सा ग्रेट करके डाल दिया है। आप चाहे तो अपने मनपसंद के हिसाब से आप चीज़ डाल सकते हैं, और चीज़ की मात्रा आप कम या ज़्यादा अपने मनपसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। अब उसके ऊपर हम थोड़ा सा ओरिगैनो डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच। अब इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। अब फिर से हमें एक ब्रेड स्लाइस लेना है, उसके ऊपर भी बटर लगा देना है। हम इसके ऊपर भी अच्छे से बटर लगा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड स्प्रेड कर दिया है। तो हमने ये ब्रेड स्प्रेड किया हुआ ब्रेड स्लाइस उसके ऊपर रख देते हैं। हमें उसके ऊपर अच्छे से रख देना है ताकि वो जो चीज़ है बाहर नहीं निकले। अब हम इस ब्रेड स्लाइस को हल्के हाथों से रख देते हैं। अब हम इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर देते हैं। हमें ऊपर की साइड पे ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्के हाथों से लगा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से हल्के हाथों से लगा दिया है। अब चलते हैं इसे टोस्ट करने के प्रोसेस में। मैंने यहाँ पे एक तवा लिया है, इसे गरम कर दिया है। अब इसके ऊपर हम ये बटर लगा हुआ साइड पे रख देते हैं। अब हम दूसरे साइड पे इसे अच्छे से ब्रेड लगा देते हैं। हमें इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर देना है। मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम रखा है, हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं।
से एक बार पलट के टोस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना मस्त ब्राउन हो चुका है। तो हम इसी तरीके से दूसरे साइड का भी टोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ चुका है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। इसे कट कर लेते हैं चार टुकड़ों में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना मस्त दिख रहा है चीज़ी गार्लिक ब्रेड स्टिक। ये बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना चीज़ी है ये ब्रेड, है ना एकदम मस्त। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।